बांग्लादेश के जर्सी को ये देखिए ये देखा अच्छा है जबरदस्त पंद्रह नंबर का खिलाड़ी बहुत अच्छा भदोही गाजीपुर चार मिनट बचा है। पुलिस विभाग में लगातार ऐसे पुलिसकर्मी जो किसी न किसी खेल में रुचि रखते हैं ऐसे कर्मियों के अंदर खिलाड़ी को जागृत करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी जोन की 28वीं अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन गाजीपुर के पुलिस लाइन में किया गया जिसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह रहे जिन्होंने खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी लिया। आज के इस खेल में कबड्डी कुश्ती भारोत्तोलन बॉक्सिंग जैसे खिलाड़ियों का आयोजन किया गया है जो 3 दिनों तक चलेगा। पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में कबड्डी जो कभी गांव का खेल कहा जाता था और मिट्टी में खेला जाता था साथ ही इस खेल में खिलाड़ियों का दमखम भी देखा जाता था लेकिन बदलते स्वरूप के साथ यह खेल भी आधुनिकता का रूप ले लिया और यह मैट पर नए नियमों के अनुसार खेला जा रहा है जिसका प्रदर्शन पुलिस लाइन के ग्राउंड पर खिलाड़ियों ने दिखाया। पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बनारसी जोन के विभिन्न जनपद जिसमें सोनभद्र मिर्जापुर जौनपुर भदोही वाराणसी गाजीपुर बलिया मऊ मिर्जापुर चंदौली की टीम के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और खिलाड़ी खेल भावना से इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। पुलिस लाइन गाजीपुर में आज 28वीं अंतर जनपदीय वाराणसी जोन की खेलकूद प्रतियोगिता जिसमें कि कुश्ती कबड्डी भारोत्तोलन इत्यादि प्रतियोगिताएं रखी गई हैं उसका आयोजन किया जा रहा है जिसकी मेजबानी गाजीपुर द्वारा की जा रही है और सभी मैचों के लिए गाजीपुर पुलिस द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं और अभी कबड्डी प्रतियोगिता का मैच ओपनिंग उसमें हुआ था और ये प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी 22 तारीख में इसका समापन है और उम्मीद है कि एक अच्छी और स्वस्थ तरीके से सभी जो प्रतिभागी हैं खिलाड़ी हैं इसमें भाग लेंगे और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। कमिश्नरेट और इसके अलावा पूरे वाराणसी जोन की 10 टीमें कुल मिला के इसमें प्रतिभाग कर रही हैं।